छठ महापर्व आज समाप्त हो गया है, लेकिन बिहार में अधिक तापमान प्रतिदिन की भांति आज हाई है। आरजेडी का दावा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ा विकास हुआ है। तेजस्वी यादव का मतलब ही होता है बिहार में विकास, तेजस्वी यादव का मतलब होता है नौकरी। दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव ने कड़ा प्रतिवाद किया है। मनीष यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के शिखर को छुआ है। बिहार की चिंता नीतीश कुमार भली भांति करते हैं, बिहार का विकास कैसे होगा नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। बड़ी बात है जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कही है, साथ ही विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। देखिए इस वीडियो में मनीष यादव क्या बोल रहे हैं। भाई तेजस्वी जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला हो या विशेष पैकेज देने का मामला हो, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का चिंता का विषय है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी न केवल चिंता करते हैं बल्कि उसे धरातल पर भी उतार के दिखाते हैं। जिस बिहार को कभी देश में अपमानित होना पड़ता था, आज उसी बिहार का डंका पूरे देश में बज रहा है। इस बार के बजट में देखा होगा आपने, जो केंद्र के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, बिहार का डंका बजा उस बजट में। लगभग 59,000 करोड़ रुपए बिहार को एक्सप्रेसवे के लिए, भागलपुर में पावर प्लांट के लिए और बाढ़ से निपटने के लिए, इसके अलावा गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का मामला हो, कई हॉस्पिटल का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, कई ऐसे परियोजना बिहार को दिया गया, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण। आज बिहार का डंका आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण पूरे देश में बज रहा है। कभी बिहार को अपमानित होना पड़ता था आपके पिताजी और माताजी के कारण। जब आपके पिताजी को और माताजी को मौका मिला तो नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे थे और उन्हें तो जेल में विशेष दर्जा प्राप्त था। आपको तो विशेष अनुभव प्राप्त है भाई तेजस्वी जी, इतने कम उम्र में इतना संपत्ति अर्जित करने का। आपको तो आज छठी मैया से माफी मांगना चाहिए था कि मां मुझे माफ कर दो, मैंने पाप करके इतनी संपत्ति अर्जित किया है।